हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं सर वाली गाई और बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे भाई। लिख देंगे क्रांति वीर वाला एक डायलॉग याद आ रहा था। वो डायलॉग ना कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं बोल नहीं रहा। जिन बच्चों को पता है वो समझदार के लिए इशारा काफी ठीक है। छोड़ो 1.13 बिगाड़ रखा यार मेरे को, शरीफ सा बच्चा हूं मैं। सपोज द स्फीयर ए एंड बी का साइज 1.12 1.12 कर लिया था हमने ना, हैव आइडेंटिकल साइज ऑफ थर्ड स्फीयर। ठीक है भैया, ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया। इसने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे पास ये हैं और ऐसे ऐसे हमारे पास ये हैं, इन दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर हुआ करती थी। अब इसने बोला कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ऐसे रखे गए थे, इनके ऊपर जितना चार्ज था वो ऐसे ही रखा गया था, इनमें कोई छेड़खानी नहीं करी, लेकिन एक तीसरा कहीं से लेके आए और अनचार्ज्ड, इसके ऊपर सेम साइज है ना, यही तो बोला है इसने। अ थर्ड सेम साइज बट अनचार्ज्ड ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट द फर्स्ट एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट द सेकंड, यानी कि पहले इसे टच कराया फिर इसे टच कराया। तो बताइए कि व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, इस ए और बी में नया फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। क्यों? देखो बेटा, क्योंकि आपको इसे क्यों की वैल्यू से पता है ना। जब हमने इसको इससे टच कराया, अनचार्ज था, जब मैंने इसको इससे टच कराया तो बेटा इसने और इसने चार्ज आपस में आधा आधा कर लिया होगा, तो यानी कि ए के ऊपर चार्ज हो जाएगा क्यू बाय टू, और ये सी बॉडी जो है इसके ऊपर भी चार्ज कितना हो जाएगा क्यू बाय टू। ठीक है, हाँ सर ठीक है, तब समझ में आ गया, चार्ज करने में ऊपर हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अच्छा, इसको टच कराने के बाद मैं इसको यहाँ पे लेके गया, सी को यहाँ पे लेके गया, तो क्या होगा बेटा, जब मैं सी को यहाँ पे लेके गया ना, तो इसका चार्ज और इसका चार्ज ये भी आधा आधा हो जाएगा, यानी क्यू बाय टू प्लस इसके ऊपर मैं क्यू मान रहा हूँ, वैल्यू साथ ले लेंगे ना, क्यों दिक्कत दे दो, इसका क्यू और ये भी आधा हो जाएगा ना बेटा, समझ रहे हो ना। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3Q/4 आ गया, यानी कि बी के ऊपर अब नेट चार्ज आएगा 3Q/4 और 3Q/4, यानी कि सर इसके ऊपर नेट चार्ज 3Q/4 आ गया। अब हमसे पूछा गया कि नेट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, तो एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 upon R square, आर की वैल्यू तो हमें चेंज होगी नहीं, तो एफ इज इक्वल्स टू के इंटू Q1 की वैल्यू कितनी थी Q/2 और इसकी वैल्यू कितनी थी 3Q/4 इंटू आर स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देना है 0.5 का इसका स्क्वायर, ये आपको करना था क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, दिमाग वाला था, ज्यादा कुछ भी नहीं था। फिगर 1.33 शोज, देखो बेटा अगर मेरी बुक में तो फिगर 1.33 दे रखा है, डस्टर साहब कहां चले गए, अरे डस्टर जी आ जाओ, ऐसे उड़ उड़ के आ जाते हैं डस्टर जी को बुलाता हूँ। ठीक है, देखो बेटा ये कहता है कि एक ऐसी फिगर है जिसमें को तीन पार्टिकल दे रखे हैं 1, 2, 3 और उनका डिफ्लेक्शन दे रखा है और पूछा है कि विच इज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है बेटा, देखो ऐसे दे रखा है, इस तरफ मेरी पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है, इस तरफ मेरी नेगेटिव चार्ज प्लेट है। अब यहां से ऐसे गया पार्टिकल वन, यहां से ऐसे गया पार्टिकल टू, और ये ऐसे गया पार्टिकल थ्री, पार्टिकल थ्री ऐसे गया है ना, ये हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्स जो भी रखी है हमारे पास है ना। अब देखो बेटा ये वन है, ये टू है, अगर ये प्लस की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है इसके बाहर जाने के बाद, इस बात से हमें पता पड़ता है कि वन और टू के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये थ्री इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है नेगेटिव की तरफ, तो इससे हमें पता पड़ता है कि बेटा ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। क्या है ये नहीं बता सकते हम लोग, बस ये बता सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल क्या है, और जो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला वो थर्ड में मिला ना, तो इसका जो चार्ज टू मास रेशियो है ये ध्यान रखना कि भाई डायरेक्टली डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन पे, तो इसका चार्ज टू मास रेशियो भी सबसे ज्यादा रहेगा। फटाफट से बढ़ते हैं 1.15 की तरफ। कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ए की वैल्यू मेरे को दे रखी है 3×10⁻³ न्यूटन पर कूलम, आई क्या का मतलब यानी कि वो एक्स की तरफ एक्स कोऑर्डिनेट में बता दिया। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू फील्ड, फाई निकालना है, अगर एक स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आगे बेटा, देखो वाई जेड प्लेन मतलब उसकी जो फील्ड है ना वो पैरेलल है, ये वाई और जेड अगर मान लो तो ये एक्स प्लेन तो ये वाला हो जाएगा ना बेटा, एक्स प्लेन तो ये वाला हो जाएगा, तो वो इन दोनों के पैरेलल है, लेकिन एक्स प्लेन के साथ तो पैरेलल नहीं हुए ना, इनके साथ है ना, तो मतलब अगर इसके पैरेलल होंगी या इसके वाई और जेड प्लेन के पैरेलल, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ डालो यार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मजा आ गया क्वेश्चन को पढ़ के। हूज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, यानी कि जब इसके साथ पैरेलल होंगे बेटा वाई जेड प्लेन के साथ, यानी कि इसके साथ जो एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का बनाएंगे, वाई और जिस प्लेन के साथ वो पैरेलल होते हैं उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, स्क्वायर के साथ है ना, स्क्वायर के
है ना। अब 3D में थोड़ा सा कष्ट करो समझने का। अब बेटा आगे क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज द फ्लक्स टू द स्क्वायर, पहला क्या पूछा है हाँ अब ये हो गया। इसका मतलब x के साथ तो बेटा हमारे पास 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, x के साथ तो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी रखी है 0.1 मीटर और एरिया 5, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ds, ds क्या है सरफेस एरिया, यानी ये लेंथ का स्क्वायर कर देंगे सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। e की वैल्यू आपको कितनी रखी है 3×10^3 और ये हमारे पास ds क्या आ जाएगा बेटा 0.01, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर इसने कहा कि इसी को मैं 60 डिग्री एक्स एक्सिस पे ट्रिल्ट कर दूं, यानी कि एक्स एक्सिस पे 60 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो फाइ इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा होता था, ई डी एस कॉस थीटा, तो ई की वैल्यू आपको गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है कॉस 60 है ना, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 टाइम्स इसकी वैल्यू निकाल देना 3×10^3×0.01 आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बड़ा आराम से करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज 8×10^3 है, कितना है 3 Nm² per कूलम। देखो हमसे कहता है कि भैया जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स किसी ब्लॉक से बाहर आ रहा है, उड़ता उड़ता फ्लक्स जो हमारे बॉक्स से बाहर आ रहा है उसका हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है, और वो कहता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है 8.0×10^3 है, यानी कि फाई आपको दे रखा है, बोला है नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स कितना है। बोलता है कि अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स किसी बॉक्स के बाहर का जीरो है तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। देखो बेटा phi is equals to q times epsilon naught है, चार्ज पूछा है, phi आपको दे रखा है, तो 8.0×10^3×epsilon naught की वैल्यू डाल देना 8.85×10^-3, यार तुम सब जानते हो इसको, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास क्यू आ गई। जो मुद्दे की बात है वो ये है, सर आराम से मारो बोर्ड गिर जाएगा, हाँ यार गिर भी सकता है पता नहीं क्या, छोड़ो। यहाँ देखो बेटा इसने कहा है कि अगर यहां से फ्लक्स जो आउटवर्ड बाहर की तरफ है वो जीरो है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, हाँ बेटा कह सकते हैं ना, नहीं। मान लिया मैंने ये बात कि फ्लक्स आउटवर्ड जीरो है और जो नेट फ्लक्स इनसाइड होता है नेट फ्लक्स आउटसाइड होता है, वो भी मान लिया, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अंदर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, है ना, तो इसलिए अंदर चार्ज बिल्कुल भी ना हो ये कहना गलत है, लेकिन हाँ ये कह सकते हो आप अंदर चार्ज हो भी सकता है, नहीं सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तब भी तो आउटवर्ड फ्लक्स जीरो ही रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1.18 मेरी बुक में, अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली ओवर द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, व्हाट इज द, पढ़ रहा हूं, किसी के पास किताब नहीं हो गया उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली ओवर द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर 1.34। देखो बेटा 1.34 फिगर कुछ ऐसी है कि हमारे पास स्क्वायर है और बोलता है इसे 5 सेंटीमीटर सेंटर के अबव, अब मतलब इसके ऊपर ऐसे, ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मानी है, ये मेरा मार्कर बोर्ड से रखा हुआ है, तो बोलता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, इस स्क्वायर से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है। अब बेटा अगर मैं इसे ऊपर रख दू ना, तो आप ऐसे समझ लो कि इसने साफ साफ हिंडी दे रखी है, थिंक ऑफ स्क्वायर एज वन फेस ऑफ अ क्यूब विद एच 10 सेंटीमीटर, ये देखो ऐसे समझ लो कि बेटा ये ना एक ऐसा क्यूब है ना, और इस क्यूब के इस पॉइंट इस वाले फेस के, एक फेस उठा लो कोई सा भी, ये इसके ऊपर हमारे पास कितना दे रखा है प्लस 10 माइक्रोकूलम है ये वाला। अब मैं पूछूंगा कि नेट फ्लक्स कितना है स्क्वायर का, देखो बेटा ऑब्वियसली बात है इस घर के 6 फेसेस हैं, इस रूम का अगर मैं स्क्वायर मान लू 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस, हाँ बहुत हो गया ना, इतना बड़ा नहीं है, ये देखो ये रहा। अब बेटा इस पे जो फ्लक्स है ये एक फेस की वजह से आ रहा है ना, लेकिन इस रूम में 6 फेस है, एक की वजह से कितना हो जाएगा 1/6 टाइम्स, तो फाइव इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है द चार्ज एनक्लोज, और 6 फेस है तो एक की वजह से कितना हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6, तो हमारे पास नेट वैल्यू कितना है क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, फाइव की वैल्यू आ जाएगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तो इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, phi = E.ds लगाना है यार, नहीं phi = q times epsilon naught लगा दो,
phi is equals to q times epsilon naught. फ्लक्स पूछा है तो चार्ज आपको 2 माइक्रो कूलम दे रखा है 2×10⁻⁶ कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल देनी आपका आंसर आ जाएगा यार। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू सरफेस इधर निकालना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। 1.200 बढ़ते हैं। अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसने दे रखा है कि भैया एक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से जो फ्लक्स आता है वो −1 × 10³ न्यूटन पर कूलम आता है। बोलता है एक बार रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो बताइए कितना फ्लक्स पास करेगा सरफेस पे और बताइए इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी है। अच्छा क्वेश्चन लगा पर ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं करेगा बेटा। देखो पहली बात जो हमें याद रखने वाली है कि इस गॉसियन सरफेस पे जो भी चार्ज आता है वो चार्ज आता है सेंटर की वजह से आता है। उसका चाहे रेडियस तुम 2 गुना कर दो तो 4 गुना कर दो, भैया जो सरफेस पे चार्ज आएगा वो सिर्फ इसकी वजह से आएगा, उसको रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि फ्लक्स तो उतना ही रहने वाला है। फ्लक्स विल बी द सेम यानी कि 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम −1 जो वैल्यू रहने वाली है वही रहने वाली है, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है तो निकाल दो बेटा। कैसे निकालोगे? फाइव इज इक्वल टू क्यू टाइम्स एप्सिलॉन नॉट से निकाल दो ना। फाइव इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू आपको निकालनी आ जाएगा आज क्वेश्चन, कोई दिक्कत थोड़ी है, आसानी से। नेक्स्ट है 1.21 मेरे पास। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज इतना, ठीक है। मेरे को जो दे रखा है बेटा वो क्या दे रखा है? एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, है ना। हैज अननोन चार्ज, चार्ज नहीं पता मेरे को। बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज, ये हमें कितना दे रखा है सेंटर ऑफ स्फीयर से, जल्दी बोलो 1.5 × 10⁻³। और आप मेरे को बोला है कि नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा, ठीक है। देखो भाई मेरे को अगर इसने वैल्यू दे रखी है अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये देखो ये 20 सेंटीमीटर दूर पे, यानी कि जब हमारे पास आर की वैल्यू 20 है तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो फॉर्मूला लगा दो बेटा, इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर को ई की वैल्यू आपको दे रखी है, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 20, क्यू आपको निकालना है, ई की वैल्यू आपको पता है, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, निकल जाएगा आराम से, निकल जाएगा ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं 22। अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर, क्या हमें सीधे मीटर में दे दे, चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर से रखा था इसको मीटर में कन्वर्ट कर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चा। कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स आपका है वहां पर पोस्ट कर दो। अगर आप लोगों को लगा है कि सर आपकी स्पीड तेज है तो भी बता दो, मैं इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा। बट ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों ने अगर लेक्चर आराम से देखे होंगे तो आराम से समझ में भी आ रहे होंगे। अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं कि जो लेक्चर से बाहर ही रुक के आ गया हो, है ना, अभी तक तो सारे वही है, ठीक है। अच्छा मेरे पास अगला क्वेश्चन फटाफट से पढ़ता हूँ 22। अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर इन डायमीटर हैज, देखो 2.4 इन डायमीटर दे दिया मेरे को, डी दे रखा है मीटर का, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अच्छा इस बार मेरे को सिग्मा कितना दे रखा है बेटा 80.0 माइक्रो कूलम मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, है ना। बोलता है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज बताना है भैया, पहले क्यू बताना है, फॉर्मूला बताइए बेटा क्या होता है इसका, सरफेस चार्ज का इसके साथ जो फॉर्मूला आता है उसको आपको रिलेट करना है, बस कुछ भी नहीं है बाकी तो हो जाएगा भाई। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू एरिया होता है, याद है ना, क्यू इंटू ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ए, तो बेटा इसी को लगाना है आपको, सिग्मा दे रखा है नहीं, चार्ज सिग्मा नहीं होता, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ए होता है ना, कि अगर एक सरफेस एरिया के ऊपर ए है तो सिग्मा का अगर पूरा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इस एरिया पे कितना सिग्मा टाइम्स ए हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए लगा देना है। या आपके सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखा पर स्फीयर है ना, स्फीयर है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, एरिया ऑफ स्फीयर आपको पता होना चाहिए, पता है नहीं पता, नहीं पता सर, अगर ये नहीं पता तो बेटा फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बस ये यहां से पुट कर देना, ये सिग्मा लगा देना, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। और पूछा है अगला क्वेश्चन बताए तो ये बता देना, इसको नहीं बताऊंगा, 12th क्लास में आ गया, 3-4 बता चुका, ये भी अब भी अगर वो कर रहे हो तो या फिर आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस,
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू क्यू टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, क्यू को यहां से निकाल लेना बेटा और एप्सिलॉन नॉट के साथ पुट कर देना, आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। रियली सॉरी, आंसर रियली रियली सॉरी। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ, एक लाइन चार्ज है जैसे 9 इनटू 10 टू द पावर इतना फील्ड कर रखा है, यानी कि हमें ई की वैल्यू दे रखी है 9 इनटू 10 टू द पावर 41.23 अभी मेरी बुक में, इतना मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, डिस्टेंस मेरे को दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी किसे मीटर में क्या करना है, कैपिटल लैम्डा। तो बेटा सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगाना है, लैम्डा लैम्डा का फॉर्मूला लगाना है और हमारे पास उसी से आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है याद है, हैं? ये वाला 2 times lambda = 2, यार देख रहे मैं भी देख लेता हूँ बेटा, है ना, 2 sigma lambda upon 2 epsilon naught, नहीं भूल गया हूँ, 2 epsilon naught r = यार फटाफट से लगा देना है, ये क्वेश्चन लगाना है, इसमें क्या दिक्कत, E = lambda times 2 epsilon naught r, आपकी बुक में दे रखा है, इस जगह पर दे रखा है, ठीक है, इसी पर लगाना है और बाकी तो यार कुछ भी मेरे को लगता नहीं है क्वेश्चन में कुछ खास दे रखा है, सब चीज दे रखा है। लैम्डा निकालने ई आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, आर की वैल्यू दे रखी थी, बीस दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, ई मेरे पॉइंट नहीं है, ठीक है, ओके सर हो जाएगा। 24 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, 2 large thin metal plates are parallel and close to each other, अच्छा जी 2 large metal की प्लेट्स हैं क्लोज टू ईच अदर, देखो लास्ट लेक्चर जो मैंने कराया था ना उनमें से एक टॉपिक है, उसे मैंने आपको दोनों सिमिलर चार्जेस के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस 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 और इस प्लस 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 की वजह से मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ना एक कि भैया इस प्लस की अगर चार्ज बाहर जाएगा और यहाँ पे बाहर जाएगा ऐसे ही इधर ही बाहर जाएगा, तो ये ई वन अगर ये प्लेट मतलब ये सिग्मा वन था ये सिग्मा टू था, तो याद है ये सब वैल्यूज है ना। तो बेटा इस बार हमारे पास क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम यही है, बस उसने क्या कर दिया है कि इस बार हमारे पास जो सिग्मा वन और सिग्मा टू है ना इसको हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स में दे दिया है, क्या दे दिया है, अब मैंने आप लोगों को तीनों जगह पे अलग अलग वैल्यूज निकालने सिखा रखी हैं, लेकिन अगर ये मैंने माइनस सिग्मा वन और प्लस सिग्मा वन के सिखा रखी है ना, बेटा ध्यान रखो जब भी आपके पास वैल्यू प्लस और माइनस की आ जाती है ना तो क्या होता है कि इसके इधर भी जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होता है नेट, इसके बाहर भी वैसे दोनों प्लेट से बाहर जीरो होता है, और जो यहां पे आता है जो अंदर आता है E = σ/ε0 × r, अंदर की तरफ कैसे इसको आप देखना ऐसे निकाल के देखना, जैसे मैंने मेरा करके दिखा रखा है, अब देखो ये माइनस सिग्मा है तो माइनस की वजह से तो चार्ज इसके इस तरफ आएगा और ये प्लस वाला है तो ये तो भाई इस तरफ रिपेयर करेगा, ये तो मतलब पॉजिटिव वाला है ना इससे दूर जाएगा ना बेटा, पॉजिटिव वाले से दूर जाएगा ना, इसकी प्लेट की तरफ से इस तरफ, इसकी प्लेट से इस तरफ, और ये नेगेटिव वाले की तरफ से इस तरफ आएगा, तो दोनों एक डायरेक्शन में हो गए। अरे देखो ये पॉजिटिव वाला की तरफ खींचेगा तो ये वाला पॉजिटिव वाला निकालेगा ना यहाँ पे, तो बेटा ये इस तरफ आ जाएगा, समझ रहे हो ना, या ऐसे समझ लो इस पॉजिटिव वाले की वजह से इस प्लेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे पड़ेगा, तो ये दोनों अपोजिट आ गए, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली ये पॉजिटिव वाले की तरफ से इधर गया पर इस नेगेटिव वाले की तरफ से इस प्लेट पे क्या आएगा, इधर आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन इधर देखें तो नेगेटिव वाले की वजह से इस तरफ आएगा और पॉजिटिव वाले की वजह से इस तरफ आएगा, तो ये दोनों एड अप हो जाएंगे है ना, σ/2εr0 + σ/2εr0 होता है बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना जाएगा 2σ/2εr0, ये कट जाएगा तो σ/ε0 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी यही करना है हमें, इसमें भी जो वैल्यू दे रखी है ना ये बिल्कुल सेम यही है, रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट बिटवीन द प्लेट, फर्स्ट प्लेट के यहाँ पे जीरो, सेकंड प्लेट के यहाँ पे जीरो और अंदर कितना रहने वाला है σ/ε0 बेटा, क्योंकि देखो ना हमें जो चार्ज दे रखा है सरफेस चार्ज दे रखा है बोल रखा है ऑफ ऑपोजिट साइंस एंड मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट साइन मतलब जो पहले वाली प्लेट में दे रखी है -17.0 × 10⁻²⁰ और जो इधर दे रखी है वो 17 × 10⁻²⁰ तो बस ये आपको सिग्मा दे रखा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा देना, सेंटर की वैल्यू आ जाएगी इधर और इधर चार्ज क्या रहेगा जीरो रहेगा, समझ में आता है। इसी के साथ हमारे पास मेरी बुक में यहां तक खत्म होगा, एडिशनल एक्सरसाइज बचते हैं जो कि हम लोग अगले लेक्चर में लेके आएंगे, लेक्चर समझ में आ रहा है, नोट्स की टेंशन मत लीजिए, जैसे लेक्चर खत्म होंगे एडिशनल एक्सरसाइजेस के आपको उसके नीचे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है।
आई होप द लेक्चर वाज क्लियर टू यू. अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में बिलो, आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल.